नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, आपकी स्टडी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की रिकेटी इक्वेशन पर हमें चल रहे थे। तो रिकेटी इक्वेशन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। रिकेटी इक्वेशन जो पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन, ये हमने पढ़ी थी। इससे संबंधित पहला अपना था जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ा। जनरल सॉल्यूशन में हमने जो मोस्ट बात है वो ये है कि y बराबर माइनस यू वन अपोन आर यू, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी, ये जनरल सॉल्यूशन मान के हमको चलना है। दूसरे में हमको वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा, ठीक है। वहां आपको क्या करना है, y बराबर पी एक्स प्लस वन अपोन जेड, ये जनरल सॉल्यूशन मानना है और हमको आगे का काम करना है। इसमें हमें दिया क्या जाएगा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिया जाएगा y बराबर पी एक्स, फिर हमको ये जनरल सॉल्यूशन मानना है। इस प्रकार से हमको काम करना है। तीसरा जो टाइप था उसमें हमको टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए जाएंगे। टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, log y माइनस पी माइनस log y माइनस क्यू बराबर समाकलन r p माइनस क्यू और dx, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो फिर से इसको रिपीट करने का पर्पज यही है कि इस प्रकार से आप चीजें शॉर्ट नोट्स में तैयार करें, एग्जाम के टाइम में सारी चीजें आपकी रिकवर होंगी। रिकेटी इक्वेशन जो है वो ये होती है और इस प्रकार से लिखी जाती है। पहला सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन y बराबर माइनस यू वन अपॉन आर यू, इसके माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे या सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया जाएगा, कौन सा, y बराबर पी एक्स। इससे आपको जनरल सॉल्यूशन क्या मानना है, y बराबर पी एक्स प्लस वन अपॉन जेड, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए जाएंगे, इससे आपको log y माइनस पी माइनस log y माइनस क्यू आर पी माइनस क्यू डी एक्स, ये आपको मिलेगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो तीसरी चौथी जो टाइप बची है वो है थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो आज हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से चीजों को तैयार करें जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। आज की हमारी हेडिंग रहेगी थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन इन द रिकेटी इक्वेशन। तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिए जाएंगे। अब देखो रिकेटी इक्वेशन हम जानते हैं, वी नो दैट रिकेटी इक्वेशन डीवाई बाई डी एक्स या वाई वन बराबर पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, यह हमें रिकेटी इक्वेशन पता है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें दिए गए हैं वो क्या है, वाई बराबर पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स और y बराबर आर एक्स, ये आपके पास पहला है वन या
फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन y बराबर पी एक्स, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y बराबर क्यू एक्स, और तीसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y बराबर आर एक्स। ये तीनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको दिए गए हैं। तो देन इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कम ही पूछा जाता है। तो देन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा वो देखते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा p माइनस क्यू आर माइनस वाई, p माइनस क्यू आर माइनस वाई। p क्या है, पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन, q दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और r तीसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अपॉन r माइनस क्यू, और यहां p माइनस वाई बराबर कांस्टेंट। ये हमको सूत्र या फॉर्मूला याद रखना है। फिर से याद करें, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में r माइनस वाई, फिर r माइनस क्यू मल्टीप्लाई में p माइनस वाई बराबर कांस्टेंट। ये आपको सीधा सा याद रखना है। कब, जब आपके पास थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए हो। तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या दिए जाएंगे, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। इसमें मुख्य बात यह है कि आपको इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा आपको ये सूत्र या जो डेरिवेशन है वो याद रखना है। इस प्रकार ये चीजें होंगी। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमें करते हैं। शो दैट वन अक्ष और अक्ष स्क्वायर आर थ्री इंटीग्रल्स, ऑफ अक्ष अक्ष स्क्वायर माइनस वन डीवाई बाई डी एक्स बराबर माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन, तो तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दिया गया है, तो सॉल्यूशन वी नो दैट थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर गिवन देन पी बराबर वन, क्यू बराबर एक्स और आर बराबर एक्स स्क्वायर। तो देन पी माइनस क्यू आर माइनस वाई, आर माइनस क्यू P माइनस वाई बराबर सी। तो मान रखेंगे वन माइनस एक्स आर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, आर माइनस क्यू तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और आर P माइनस वाई वन माइनस वाई बराबर सी। P माइनस क्यू, P की वैल्यू रखी 1 है और R क्यू की वैल्यू x, तो 1 माइनस x, फिर R माइनस वाई, R की वैल्यू x स्क्वायर y ऐसा का ऐसा, फिर R माइनस क्यू x स्क्वायर माइनस x, और फिर 1 माइनस y बराबर c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और कर लेते हैं।
वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहां एक्स कॉमन आ गया तो यहां बचा एक्स माइनस वन, वन माइनस वाई बराबर सी। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स को ले गए इस तरफ, वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहां चला गया माइनस सी एक्स, यहां हो जाएगा वन माइनस एक्स वन माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर वन माइनस वाई सी एक्स, तो ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर वाई माइनस वन और सी एक्स, ये हमारे पास। अब इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला पुटअप करना है, फॉर्मूले में मान रखने हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर हमारी रिकेटी इक्वेशन कंप्लीट होती है। रिकेटी इक्वेशन में चार टाइप हैं, पहला जनरल सॉल्यूशन वाई बराबर माइनस यू वन अपॉन आर यू, दूसरा टाइप रहेगा वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई बराबर पी एक्स, पी एक्स प्लस वन अपॉन जेड, ये होगा जनरल सॉल्यूशन। तीसरा हमारा पार्ट रहेगा टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लॉग वाला सूत्र y माइनस पी माइनस लॉग y माइनस क्यू बराबर समाकलन r p माइनस क्यू dx, ये काम में रहेगा। और चौथा थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आपके ये सूत्र काम में रहेगा। इस प्रकार से रिकेटी इक्वेशन कंप्लीट होती है। रिकेटी इक्वेशन से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी यूनिट का दूसरा जो पार्ट है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, 10 नंबर का क्वेश्चन रिकेटी इक्वेशन से मिलेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा। इसके भी तीन चार टाइप हैं, सारे हम पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग रहेगी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको करना क्या है, आपको अवकल समीकरण मिलेगी। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको कोई समीकरण मिलेगी, उस समीकरण के माध्यम से सबसे पहले आपको वो समीकरण नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन के माध्यम से यह बतानी है कि यह इंटीग्रेशन होने लायक है या नहीं है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे समीकरण का फॉर्म रहेगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डी जेड बराबर जीरो, यह आपको जो समीकरण मिलेगी उसका फॉर्मेशन रहेगा। इससे आपको यह बताना है कि ये समाकलनीय है, यानी कि समाकलन इसका हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो उस समाकलन के माध्यम से या उसको सोल्व हमको करना है, उसके अलग अलग तरीके रहेंगे। जैसे इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी गई, अब इसका समाकलन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा इस कंडीशन पर बराबर जीरो। अगर ये जीरो होती है तो ये समाकलन होगा या इस इक्वेशन का इस अवकल समीकरण का हल होगा वरना नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये होगी और किस प्रकार से इसको लिखने का प्रोसेस रहेगा।
सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। हमको जो इक्वेशन दी जाएगी वो होगी गिवन इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर जीरो। इसको दिमाग में बैठा लें। अब जो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होगी कि पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड बराबर जीरो। ये होगी नेसेसरी एंड क्यों, ये होगी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। यहां से इंटीग्रेबल होगी या नहीं होगी वो चीजें यहां से शो होंगी। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। पी ऐसा का ऐसा डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो क्यू पी लिया यहां पे तो ये हो गया। अब ये क्यों आता है हमेशा माइनस का, ये क्यों माइनस का आता है तो हम इस फॉर्मेशन में चलेंगे। और अगर ये क्यों प्लस का लेंगे, ये क्यों अगर हमें प्लस का लेंगे तो हमको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से लिखा जाता है कि ये जो अगर क्यों है ये सूत्र में माइनस का आता है, हम इसको प्लस का लिख रहे हैं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर, आर में हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार से आपको ये चीज बराबर जीरो। देखो याद करने का तरीका, सारे क्वेश्चनों में या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये आप बार बार नहीं लिख सकते, ये आपको सीधा याद रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। पी ऐसा का ऐसा डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई पी क्यू आर, और क्यू के नीचे डेल जेड आर के समकक्ष और आर के नीचे क्यू के समकक्ष, फिर प्लस क्यों आ गया तो इसमें पी और आर आ गए, क्यों के बाद आर, आर के बाद पी, और आर का जेड और पी का अक्ष, फिर आर, आर के बाद पी और पी के बाद क्यू, पी से संबंधित अक्ष इसके नीचे और क्यू से संबंधित वाई इसके नीचे। इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसे संबंधित एक क्वेश्चन हमें करते हैं, फिर से समझ लें। पी डेल क्यू डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। अब इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तीन चार क्वेश्चन आप इसके करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी और ये सूत्र भी आपके फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर सॉल्व, इतना ही लिखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर जेड प्लस वन डी एक्स प्लस
डी वाई प्लस टू जेड डी जेड बराबर जीरो, इसको आपको सॉल्व करना है। ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर है प्लस वन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू जेड डी जेड बराबर जीरो, ये हमें इक्वेशन दी गई है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, किसमें? राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इससे पहले भी ये कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, करना किस प्रकार से है। गिवन इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू जेड डी जेड बराबर जीरो, हमें क्वेश्चन दिया गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहां टू एक्स स्क्वायर है और फिर टू एक्स वाई टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू जेड डी जेड, इस प्रकार हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब नीचे लिखे आप, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर जीरो। इसको इक्वेशन नंबर एक दे दें, इसको दो, कंपेरिजन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पी की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, ये वैल्यू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि वैल्यू वन और पी क्यू आर, आर की वैल्यू मिलेगी टू जेड, पी की वैल्यू हमें मिली टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वन, क्यू बराबर वन और आर बराबर टू जेड। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन हमको सेटिस्फाई करानी है, तब जाकर ये इंटीग्रेशन करने के लायक होगा, यानी कि ये जीरो आएगा हमारे पास, तब जाकर ये चीजें हमको आगे बढ़ानी है। तो यहां आप लिखें, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ये है। अब पी की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वन, फिर देखो डेल क्यू अपॉन डेल जेड, क्यू बराबर वन है तो वन का अवकलन है जीरो, माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, टू जेड का वाई के सापेक्ष क्या होगा जीरो, प्लस क्यू बराबर वन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर ये जो आर है टू जेड इसका फिर एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा और पी का जेड के सापेक्ष, पी का जेड के सापेक्ष देखें इसका भी जीरो इसका भी जीरो, यहां जेड है तो यहां जेड का हो जाएगा फोर एक्स जेड, ये हमें मिलेगा प्लस आर, आर है टू जेड, फिर P का Y के सापेक्ष, P का Y के सापेक्ष, तो P का Y के सापेक्ष 2x y यहां से होगा, सिर्फ क्या मिलेगा 2x माइनस Q का x के सापेक्ष, Q का x के सापेक्ष
जीरो हो जाएगा। यहां आपको ये जीरो मिल रहा है तो इसका जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, ये कैंसिल। यहां आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स जेड और ये मिलेगा प्लस फोर एक्स जेड बराबर जीरो। ये क्या है जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, तो ये कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट ही करना है। क्या करना है, ये आपको इक्वेशन दी गई है, यहां से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो लिखनी है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर जीरो। कंपेरिजन करवाना है पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर, फिर ये जो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है इसको लिखना है पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो। ये मान यहां पे रखने हैं, अवकलन करना है, फिर मान फिर अवकलन, ये हमें जीरो प्राप्त होगा तो कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम समाकलन करेंगे, या इस समीकरण को आप ये बोल सकते हैं कि इस समीकरण को अब हमें हल करेंगे। हर क्वेश्चन में ये काम करना है, कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई करनी है। अब आगे लिखना है नाउ कंडीशन सेटिस्फाई देन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। अब देखो इसको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2zdz बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर 2xy प्लस 2xz स्क्वायर dz सॉरी dx, ठीक है, इस dx को अलग लिखें प्लस dx प्लस dy प्लस 2zdz बराबर 0। अब यहां हमारे पास है 2x स्क्वायर 2xy 2x 2x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा एक्स स्क्वायर टू सॉरी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीवाई प्लस टू जेड डी जेड अब बराबर जीरो। अब देखो टू एक्स डीएक्स, अब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भाग दे दो आप इसमें, तो इसमें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें भाग देने से क्या बनेगा, इसमें भाग देने से क्या बनेगा देखते हैं। देखो भाग किसका दोगे, यहां लिख दो डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो यहां मिलेगा 2x dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस y प्लस z स्क्वायर। अब देखो x प्लस y प्लस z स्क्वायर का आप करो अवकलन, x का 1 या dx प्लस dy प्लस इसका
टू जेड डी जेड, तो ये क्या बन गया डी एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये पूरा तो डी एक्स और ये एक्स, तो इसको आप मान लो टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। लिखने का प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, लिखने का प्रोसेस इस प्रकार रहेगा, लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर टी, लेट किया है हमने तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू जेड डी जेड बराबर डी टी, ठीक है। यहां मान रखने पर टू एक्स डी एक्स प्लस डी टी बाई टी, अब इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन करोगे तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टी, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग का मान टी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, ये यहां से इसको जो आपने इसका समाकलन किया है ये सारी प्रक्रिया बीएससी से रिलेटेड है, तो ये काम हमने किया और हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस लॉग टी बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें ये सी को आप लॉग सी भी मान सकते हैं या इसको और ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मुख्य काम जो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है उसको आपको अप्लाई करवाना है। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन को अप्लाई करवाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो काम आपको बीएससी से संबंधित करना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं जो आप स्वयं करने का प्रयास करें। क्वेश्चन रहेगा dx प्लस dy, dx प्लस dy प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड बराबर जीरो, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहां से अगर इसको सीधा बता रहा हूं रफली, पूरा क्वेश्चन आप कर लेना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर जीरो, तो यहां से p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू x प्लस y, तो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन डेल क्यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपोन डेल एक्स माइनस डेल पी अपोन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपोन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपोन डेल एक्स। देखो पी क्यू आर, क्यू आर पी और आर पी क्यू, फिर क्यू के समकक्ष वाई, आर के समकक्ष जेड, आर के समकक्ष जेड और P के समकक्ष X, फिर P से संबंधित X और Q से संबंधित Y बराबर जीरो, इसको आपको बराबर जीरो सिद्ध करवाना है। अब देखो P, P बराबर वन, Q का मान ये जीरो हो जाएगा माइनस R का Y के सापेक्ष वन, ठीक है, प्लस Q का मान वन, R का X के सापेक्ष वन माइनस P का Z के सापेक्ष जीरो प्लस आर एक्स प्लस वाई, पी का वाई के सापेक्ष जीरो और क्यू का एक्स के सापेक्ष जीरो, तो ये माइनस वन प्लस जीरो, तो ये क्या मिलेगा जीरो बराबर जीरो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको हल करना है, तो इसको हल डी एक्स प्लस डी वाई बराबर
माइनस एक्स प्लस, ये देखो इस प्रकार से होगा डीएक्स प्लस डीवाई बराबर माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस इस तरफ हो रही डी जेड, इसका लग जाएगा भाग, तो डीएक्स प्लस डीवाई अपॉन एक्स प्लस वाई और सामने डी जेड किसका माइनस का, तो ये तो लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड प्लस सी, ये आंसर आ गए। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। इससे संबंधित ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपको और दे देते हैं। क्वेश्चन रहेगा वाई जेड लोग जेड डीएक्स माइनस जेड एक्स लोग जेड डीवाई प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर जीरो, वाई जेड लोग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लोग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर जीरो। अब इसमें पी की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू माइनस में, क्यू की वैल्यू माइनस में और जेड की वैल्यू ये, तो नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन और उसके बाद इसका समाकलन, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करते हुए चलना है। तो इसमें p की वैल्यू मिलेगी, q की वैल्यू मिलेगी और z की वैल्यू। अब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन सब में आपके पास क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन वो करने का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसका अवकलन, तो ये देखो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई किसी न किसी प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करें, यह आपके लिए होमवर्क हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। हां, इनसे संबंधित जो भी नोट्स हैं, इनसे संबंधित जो भी नोट्स हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप नोट्स जरूर डाउनलोड करें और उन नोट्सों के माध्यम से अपनी स्टडी को और बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करते रहें और मेहनत का जो परिणाम है वो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों का मिलाजुला जो परिणाम होगा वो आपके लिए भी प्रेरणा बनेगा और हमारे लिए भी वो एक मोटिवेशन होगा। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।